दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह सप्ताह के अंतर्गत बुधवार को संवाद भवन में समाजशास्त्र विभाग द्वारा विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया। विशिष्ट व्याख्यान कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे समाजशास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय एवं सचिव भारतीय समाजशास्त्र परिषद प्रोफेसर डी आर साहू ने विशिष्ट व्याख्यान पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर प्रोफेसर एस के दीक्षित, प्रोफेसर ओ पी पांडे, अधिष्ठाता कला संकाय प्रोफेसर सी पी श्रीवास्तव, प्रोफेसर सत्येंद्र प्रताप सिंह, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं और भारी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। तो नहीं कह रहा हूं कि ये सही है कि गलत है, लेकिन हम एक समाज विज्ञान और उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के आधार पे हमको लगता है सम्मान और प्रोग्राम सोसाइटीज को जिस तरह से हमको इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे, तो उससे एक सिंगल डायरेक्टेड मोनोडायरेक्शनल चेंज में, मोनोडायरेक्शनल डेवलपमेंट में चलेंगे कि ये करना है आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यदि आप देखेंगे बहुत सारे कंप्यूटर वेबसाइट्स में, बहुत सारे समाज के जो भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स हैं, बहुत सारे नए नए विश्वविद्यालय या किसी कार्यक्रम में जो ना है तो उसमें प्रोग्राम्स में आप देखेंगे FAQ लिखा होगा, एवरीथिंग इज इंस्ट्रक्शंस। तो उस इंस्ट्रक्शंस के साथ आपको चलना पड़ेगा, यू टू फॉलो द स्टेप्स, आपको उस चरणों के आधार पर चलना पड़ेगा, तो उसमें कोई डायलॉग की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चुनौती है विश्वविद्यालय के लिए, शैक्षिक संस्थाओं के लिए, हमारे समाज में जो एक ऐसी परिवर्तन आ रहा है उसमें ये सारे चुनौतियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उस चुनौतियों को पहचान करना हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हमारा ये उत्तरदायित्व है समाज विज्ञानियों का उसके बारे में बात करना। तो मेरा ये जो बताना है कि जो क्वेश्चन हमारा है कि कैसे इस चुनौतियों से हम अपने आप को तैयार करें और उस चुनौतियों को कैसे हम उससे अवसर में बदल लें। अब किसी भी समाज के विकास के लिए हम सभी कहते हैं कि भारत डेमोग्राफिक लायबिलिटी की वजह एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब कि भारत एक युवाओं का देश है और किसी भी सभ्यता में यूथ जो है एक भविष्य के लिए एक रचनात्मक समाज बनाने के लिए युवाओं की एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। देयर इज ए पोटेंशियल, हैवी पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, दैट यदि हम यूथ को उसी तरीके से हम ढालें तो हो सकता है हमारे जो भविष्य समाज निर्माण में एक बहुत सृजनशीलता आ सकती है। सीरियस चैलेंज फॉर हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी सिस्टम, तो उसमें यूनिवर्सिटी जो अनइंटरप्टेड नॉलेज सिस्टम के लिए परस्यू करने की जो एक प्रक्रिया है उसमें सडनली एक फरमान जारी हुआ करीब विगत 20-25 दशक में पूरी दुनिया में आप देख रहे होंगे, उसका एक परिप्रेक्ष्य, उसका एक पृष्ठभूमि है जो कि आप सब जानते हैं। तो उससे यू हैव टू मैनेज योर ओन रिसोर्सेज, यू हैव टू फेंड योर सेल्फ, मतलब आप अपना व्यवस्था आप संभालिए। आप ये सोचिए इसी एक छोटी सी बात पूरी शैक्षिक संस्थाएं और जो विश्वविद्यालय की व्यवस्था है जो पब्लिक स्केल में पब्लिक इंस्टीट्यूट के रूप में, जिस तरह की पब्लिक इंस्टीट्यूशन को